हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लेकर आए हैं मानव लिंग निर्धारण कि मानव में एक बच्चे का सेक्स क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, कैसे पता चलेगा। तो देखिए, नॉर्मली जो नेचुरली होता है नर में और मादा में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 44+2 और 44+2 यानी 44 क्रोमोसोम्स और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स नर में होते हैं एक्स और वाई, और मादा में सेक्स क्रोमोसोम यानी ये 2 जो है वो एक्स है, बाकी सारे क्रोमोसोम 44 जो है वो सेम रहते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो होता है आपका 46। तो इसको बोलते हैं डिप्लॉइड यानी 2n, जबकि जो युग्मक है उसमें हमारी हैप्लॉइड कंडीशन आती है जिसमें nn रहेगा यानी 23 क्रोमोसोम्स हैं। 23 कौन से हैं, 22+1 यानी x और 22 आपके ऑटोसोम्स हैं। इसी तरह इसमें भी 22+1 यानी 1 क्या हो गया, y। इसी तरीके से यहाँ देखिए x वही 22+x ये हो गए आपके युग्मक। अब युग्मनस यानी जो नई पीढ़ी नया जो बेबी बनेगा उसमें एक क्रोमोसोम आपका मेल से आना है और दूसरा क्रोमोसोम फीमेल से आना है। मान लो मेल से एक्स आया तो फीमेल से भी एक्स आता है, तो दिस विल बी एक्स एक्स। मेल से अगर वाई आता है, फीमेल से एक्स आता है, देन इट विल बी एक्स वाई। अगर मेल से भी एक्स, फीमेल से दूसरा एक्स आए तो भी एक्स एक्स रहेगा, और मेल का वाई और फीमेल का दूसरा एक्स आता है तब भी एक्स वाई कंडीशन रहेगी। यानी चांसेस क्या रहते हैं हमेशा 50-50% लड़की होने के चांस है और 50% लड़का होने के चांस है। डिपेंड किस पे पड़ता है, ये डिपेंड करता है मेल के क्रोमोसोम। देखिए एक क्रोमोसोम मेल का एक्स, दूसरा वाई, एक्स आएगा तो आपका लड़की, लेकिन अगर वाई क्रोमोसोम आता है तभी लड़का होगा। इट मीन्स लड़का और लड़की का निर्धारण आपके नर जो क्रोमोसोम है उससे होता है, वो भी एक्स और वाई से। वहाँ दोनों सेम है, उसे कुछ नहीं पता चलेगा,